अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि अब आप घर बैठे सिर्फ 120 रुपए की फ़ीस को अदा करके अपना लर्निंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये मेरी 7 मिनट की वीडियो देखिए जो कि आपने पूरी देखनी है और आप लोग लर्निंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं बिना कोई ज़्यादा टाइम को वेस्ट किए। तो चलिए चलते हैं आगे वीडियो की जानिब और पूरा तफसील के साथ देखते हैं कि कैसे आप लोग अपना लर्निंग लाइसेंस बनवा सकते हैं सिर्फ 7 मिनट के अंदर। तो एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपने उस पर क्लिक करना है तो आप स्ट्रेट अवे इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। नाम लिखना है, CNIC नंबर, ईमेल, फ़ोन नंबर, जेंडर सेलेक्ट करना है, पासवर्ड लिखना है, कन्फर्म पासवर्ड करना है, कैप्चा लिखना है और रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट विदाउट एनी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। उसके बाद आप जब लॉगिन करेंगे तो आप इस तरह के पेज के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पे आपने न्यू लर्नर लिस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को पहले अपना इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी जिसमें CNIC नंबर होगा, उसके बाद आपका नेम होगा, उसके बाद फादर एंड हस्बैंड का नेम होगा। जो भी आप लिखेंगे यहाँ पे, अगर आप फादर हैं, आपकी आप फीमेल हैं तो आप अपने हस्बैंड का नाम लिख सकेंगी, अगर मेल हैं तो हस्बैंड फादर का लिखेंगे। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, फ़ोन नंबर लिखेंगे, एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर जो कि एमरजेंसी की सूरत में आपसे रब्ता किया जा सकेगा। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट किया जाएगा, हाइट आप सेलेक्ट करेंगे आपकी हाइट कितनी है। उसके बाद आप सिटीजन टाइप क्या है कि आप एम्प्लॉय हैं, बिजनेसमैन हैं, प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, सिविलियन है, स्टूडेंट है, तो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आ जाता है जी व्हीकल कौन सी होगी, गाड़ी आपके पास कौन सी है, ऑटोमेटिक है या मैनुअल है, वो आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। अगर नहीं भी है तो आप इसमें से कोई सी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेशनैलिटी आपकी कौन सी है वो आप लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। आपका ब्लड ग्रुप क्या है वो आप लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एंड डिसेबिलिटी अगर आपको कोई है तो वो आप लिखेंगे, लेकिन नहीं है तो नो कर देंगे, यस करेंगे। तो यहाँ पे ड्यू टू योर डिसेबिलिटी ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन इज अनअवेलेबल, अगर आपको कोई डिसेबिलिटी होगी तो आप यहाँ पे उस फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकेंगे। और उसके बाद आ जाता है आपका एड्रेस। एड्रेस के अंदर आप यहाँ पे पंजाब से हैं तो आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस कौन सा है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपका परमानेंट और करंट एड्रेस मुख्तलिफ है तो आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन अगर सेम एज अबव है तो फिर आपको यहाँ पे एक जगह ही एड्रेस को फिल आउट करना है जो कि ये पहले वाले 3 सेक्शन के अंदर फिल करना है। एड्रेस के बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आपने कमर्शियल के लिए लर्नर बनवाना है या फिर नॉन कमर्शियल के लिए। तो यहाँ पे नॉन कमर्शियल पे क्लिक करता हूँ जिसमें आप लोग मोटरसाइकिल, मोटर कार, जीप या तीनों का इकट्ठा भी बनवा सकते हैं। तो मुझे सिर्फ इस वक्त मोटरसाइकिल और कार का बनवाना है तो इन दोनों पे सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करेंगे यहाँ पे जिसमें आपका वाइट बैकग्राउंड होगा, पासपोर्ट साइज की एक नॉर्मल पिक्चर आप यहाँ पे इजीली अपलोड कर सकते हैं जो कि बिल्कुल आसानी से बन भी जाती है। आपके मोबाइल में कोई ना कोई पिक्चर होगी, आप उसको क्रॉप करके यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद सिंपल आपने ID कार्ड की जो फ्रंट और बैक साइड है वो यहाँ पे अपलोड कर देनी है और उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके पास इस तरह का पेज आएगा जहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी जो लर्नर की रिक्वेस्ट है वो फॉरवर्ड कर दी गई है। अब आपको सिर्फ क्या करना है कि आपको 120 रुपये की जो फीस है उसको पे करना है। लर्नर की जो फीस है ये आपको फीस का ट्रैकिंग PSID नंबर दे दिया गया है। आप इसका नंबर किसी भी जगह पे ATM पे, बैंक पे, वन लिंक के थ्रू पे कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको आसान तरीका जो है वो इसका इजी पैसे के थ्रू करने का बताऊंगा। तो आप चलते हैं मोबाइल की जानब। तो आप लोगों ने मोबाइल पे आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद CR ये वाला ऑप्शन आपको नीचे नज़र आ रहा है, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों ने गवर्नमेंट जो फीसिस वाला सेक्शन है ये वाला गवर्नमेंट फीस, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे सेकंड वाला नंबर पंजाब ई चलान यहाँ पे आना है और वही जो PSID मैंने आपको बताई थी वो ईमेल में भी आपको आई होगी, वहाँ से आप लोग कॉपी करके यहाँ पे इसे पेस्ट करेंगे और नेक्स्ट पे करेंगे तो यहाँ पे इसकी फ़ीस आ जाएगी और कंज्यूमर का नाम भी यहाँ पे आ जाएगा कि किसकी आप फ़ीस पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने पे नाउ पे क्लिक कर देना है और आपकी जो फ़ीस है वो पे हो जाएगी, ये आप लोग देख सकते हैं और ये आपको मेल भी कर देते हैं।
तो अब हमने फीस को पे कर दिया है, आप यहाँ पे आके देख भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपको पीएस आईडी यहाँ पे भी मिल जाती है और फीस का भी मैसेज यहाँ पे आ चुका है। ये देखिए आपकी जो फीस है वो पे हो चुकी है, यहाँ पे ये देख सकते हैं। अब हमने वापस आना है वेबसाइट पे, एप्लीकेशन पे आना है और यहाँ पे हमने देखना है कि क्या जो हमारी एप्लीकेशन का स्टेटस है क्या वो अपडेट हो चुका है, पेड हो चुका है, तो वो आप लोग यहाँ पे चेक करेंगे हम। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जो स्टेटस है वो पेड आ चुका है और जस्ट आप यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके आप अपना जो लर्निंग लाइसेंस है उसको प्रिंट करवा सकते हैं और जस्ट इतना सा काम है। तो ये जी आपका लाइसेंस आ चुका है और ये देख सकते हैं यहाँ पे लाइसेंस आ चुका है। मोटर कार के अलग दो पेज होंगे, कार या जीप के दो अलग होंगे, तो ये दोनों हमारे पास आ चुके हैं। आप सिंपली यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका प्रिंटर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप इसको सेफ एज यहाँ पे पीडीएफ पे क्लिक करके आप इसको इस वक्त अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं और बाद में जाके इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद वीडियोज़ के लिए आप लोग हमारे चैनल बिजनेस विद अली को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।